मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद की थी। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पूरी तरह से फोर्स कर रहा हूं। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? किसने किया शाहरुख पर एहसान? क्या हुआ था उस दिन? क्या पहले भी ऐसे थे संजू बाबा? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट YouTube चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियो, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, संजय दत्त बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर है जिसकी जिंदगी से सबक लेते हुए हार को जीत में और निराशा को विश्वास में बदला जा सकता है। 29 जुलाई 1959 का दिन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सुनील दत्त और नरगिस के लिए खुशियों से भरा था, क्योंकि इसी दिन उनके लाडले बेटे का जन्म हुआ था। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अपने बेटे को संजू नाम से बुलाते थे। बेहद लाड प्यार में पले संजू बाबा बड़े होने के साथ गलत आदतों के शिकार हो गए थे। फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस के अलावा दूसरी तमाम लड़कियों से संजय के अफेयर रहे, लेकिन हम आपको उनके अफेयर्स की नहीं बल्कि दोस्ती का वो किस्सा बतलाएंगे जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि संजू बाबा यारों के यार है। संजय दत्त की जिंदगी पर एक फिल्म बनी है संजू, जिसमें बताया गया था कि उनकी लाइफ में एक तो नहीं बल्कि 300 गर्लफ्रेंड रही है। संजय के अफेयर्स को लेकर बॉलीवुड में तमाम किस्से चटकारे लेकर सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको वो किस्सा सुनाएंगे जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ संजय की दोस्ती गजब की है। संजय ने ऐसे समय में शाहरुख की मदद की थी जब वो बेहद परेशान थे। संजू बाबा से अपनी दोस्ती की कहानी खुद शाहरुख ने बतलाई थी। आप सभी को पता होगा कि टीवी के फेमस क्विज शो को एक बार शाहरुख खान ने भी होस्ट किया था। संजय दत्त जब उनकी शो पर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे तभी अपनी दोस्ती का यह दिलचस्प किस्सा बताया था। शाहरुख ने बताया था कि जब वो माया नगरी में आए थे तो उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। मेरा झगड़ा हो गया था, मैं बहुत परेशान था। उस समय मुंबई में मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे। जब संजय मेरे पास आए और बोले कि अगर मुंबई में कोई तुम्हें हाथ भी लगाए तो मुझे बताना। इसके बाद क्या हुआ वो जानने के लिए और ये भी जानने के लिए कि शाहरुख का क्या नाता है संजू की अगली फिल्म विधाता 2 से, बने रहिए हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ एक और खास चीज है आपके लिए, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।